once again good morning students. In the last video we have discussed about pseudo first order reaction. In this video we will discuss about initial rate method. Initial rate method के लिए ये भी एक second method है order of reaction को determine करने के लिए. First method था आपका integrated rate law equation वाला, second method है आपका initial rate law method. देखिए कोई लंबा चौड़ा method नहीं है, कुछ ये मेथड आपको डायरेक्टली न्यूमेरिकल सेक्शन से ही समझना पड़ेगा और आपके नोट्स का न्यूमेरिकल सेक्शन 4 भी है. देखिए आपको क्वेश्चन में ये टेबल दिया हुआ है, रिएक्शन दी हुई है और क्वेश्चन में इस टेबल के बाद क्या दिया, डिटरमिन द रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट. आपको इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ निकालना है और रेट कांस्टेंट डिटरमिन करना है. देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बहुत बार आता है इस तरह का क्वेश्चन और आएगा तो सीधा 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा मिनिमम. ठीक है जी, देखिए ये हमारे पास जनरल रिएक्शन है, इसका रेट लॉ लिखते हैं के रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लिखते हैं रेट लॉ. उसने हमें क्वेश्चन में ये नहीं बताया कौन से ऑर्डर की, कहानी खत्म हो जाती ना, फिर हम निकालते गए. ये मेथड किस लिए, ये मेथड है ऑर्डर को निकाल, इनिशियल रेट मेथड किस लिए यूज करते हैं, ऑर्डर को डिटरमिन के लिए. अगर वो ऑर्डर ही दे देता तो फिर हम फाइंड आउट क्या करते. ठीक है हम लेट कर लेते हैं, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर एम है और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर एन है. ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, किसी क्वेश्चन में आपके पास 3 एक्सपेरिमेंट्स होंगे, किसी में 4 होंगे, 4 से ज़्यादा नहीं होंगे. ठीक है जी, अब देखिए आपने हर एक्सपेरिमेंट के लिए रेट लॉ की इक्वेशन लिखनी है. ये तो जनरल रेट लॉ हो गया ना, आपने एम और एन की वैल्यू निकालनी है. देखिए एक्सपेरिमेंट वन, रेट वन इज इक्वल टू रेट के, रेट अगर ऑर्डर किसी भी रिस्पेक्ट में सेम होगा, जो होगा ओवरऑल ऑर्डर होगा तो उनके लिए के की वैल्यू हमेशा क्या होगी, सेम. जैसे भी पीछे क्वेश्चन किया था कि दो जगह आपने के निकाले थे, दोनों के सेम आए तो दैट मीन दोनों सेम ऑर्डर की रिएक्शन है. ठीक है, दैट मीन दैट वॉज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. यहाँ पे भी वो यही होगा, हर केस में के की वैल्यू सेम होगी क्योंकि ओवरऑल ऑर्डर तो वही आएगा ना, किसी भी एक्सपेरिमेंट से अगर हम रिस्पेक्ट में बात करेंगे. चलिए आपके पास के की वैल्यू, अब फिलहाल ये अभी ये सोच लिया आपके पास के की वैल्यू नहीं है, आपने उसको एज सच ही छोड़ दिया. अब देखिए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ए की वैल्यू क्या है, 0.1 की पावर एन. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में बी की वैल्यू क्या है, 0.1 की पावर एन. ये किसके इक्वल है, रेट, रेट किसके इक्वल दिया हुआ है, 6.0 × 10⁻². ठीक है जी, ये आपका जनरल रेट लॉ है, आपने हर एक एक्सपेरिमेंट के रिस्पेक्ट में इसका रेट लॉ लिखना है. बहुत ध्यान से समझना है क्वेश्चन. तो दैट मीन्स फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए रेट वन, के की वैल्यू आपके पास नहीं है, के ए की वैल्यू क्या है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, 0.1 की पावर एन. बी की वैल्यू क्या है, 0.1 की पावर एन. एन ये किसके इक्वल है, रेट के, रेट किसके इक्वल दिया हुआ है, 6.0 × 10⁻². ये बन गई आपकी इक्वेशन वन. इसी तरह आपने क्या करना है, एक्सपेरिमेंट टू के लिए रेट लॉ लिखना है, रेट टू इज इक्वल्स टू के. सेकंड एक्सपेरिमेंट में ए की वैल्यू क्या है, 0.3 की पावर एन. जीरो बी की वैल्यू क्या है, 0.2 की पावर एन इक्वल्स टू रेट. यहाँ पे रेट क्या है, 7.2 × 10⁻². दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. Is it clear? अब आगे देखिए. For experiment 3, experiment 3 के लिए क्या बन जाएगा, रेट 3 इज इक्वल्स टू के, ए की वैल्यू कितनी है एक्सपेरिमेंट 3 में, 0.3 की पावर एम और बी की 0.4 की पावर एन इक्वल्स टू रेट. रेट कितना है, 2.88 × 10⁻². ठीक है जी, फॉर एक्सपेरिमेंट 4, अगर एक्सपेरिमेंट 4 के बाद ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई. एक्सपेरिमेंट 4 के लिए रेट 4 के ए की वैल्यू क्या है, 0.4 की पावर एम और बी की 0.1 की पावर एन इक्वल्स टू रेट 2.40 × 10⁻². दिस इज इक्वेशन नंबर 4. अब देखिए आप नोट्स होंगे आपके पास, नोट्स मैंने इक्वेशंस को डिवाइड किया हुआ है. ऐसा क्यों किया हुआ, आपने कंपेयर करनी है,
अगर आप ये देखिए फर्स्ट और सेकेंड मतलब ए और बी में कौन से की दो की वैल्यू सेम है, देखिए यहाँ पे ये दो वैल्यूज मैच कर रही है, यहाँ पर ये दो वैल्यूज मैच कर रही है, ठीक है जी। क्या कहा मैंने, यहाँ पे ये दो वैल्यूज मैच कर रही है, यहाँ पे ये दो वैल्यूज मैच कर रही है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये पता लगाने के लिए कि फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड से डिवाइड करना है, फर्स्ट को फोर्थ से करना है, सेकेंड को थर्ड, मतलब किस इक्वेशन को किससे डिवाइड करना है, आपने ये देखना है ए वाली साइड पे कोई दो वैल्यूज मैच होनी चाहिए, बी वाली साइड पे कोई दो वैल्यूज मैच होनी चाहिए। जौन से दो एक्सपेरिमेंट्स की वैल्यूज मैच हो रही हैं उन इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर दो, उन एक्सपेरिमेंट की इक्वेशन को आपस में डिवाइड करना है आपने। क्या बोला मैंने, फर्स्ट कॉलम में ए वाले में देखना कौन सी दो वैल्यूज मैच हो रही है, ये वाली दो, मतलब एक्सपेरिमेंट टू और थ्री की। बी वाले पार्ट में किसकी, एक्सपेरिमेंट वन और फोर की। तो जिनकी भी दो जगह वैल्यूज मैच हो रही हो उन एक्सपेरिमेंट को उसे दूसरे एक्सपेरिमेंट से डिवाइड कर देना। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप ये सेकंड को थर्ड से डिवाइड करते हो, मतलब सेकंड एक्सपेरिमेंट को थर्ड से, मतलब सेकंड इक्वेशन को थर्ड से, या थर्ड को फोर्थ से, ठीक है जी। आंसर वही आएगा, डिपेंड्स अपॉन यू। वो आपको भी पता है कि किस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना, डिवीजन सबको आती है। यहाँ पर भी फर्स्ट और फोर्थ, या फोर्थ को फर्स्ट से डिवाइड कर दिया, फर्स्ट को फोर्थ से डिवाइड कर दिया। चलिए जी, जैसे कि आपने नोट्स में लिया वैसे ही कर लेते हैं। डिवाइड इक्वेशन, पहले आपके लिए डिवाइड इक्वेशन वन बाय इक्वेशन फोर, इक्वेशन वन को इक्वेशन फोर से डिवाइड करते हैं। मतलब हम ये बात बोल सकते हैं कि रेट वन अपॉन रेट फोर, इक्वेशन वन को हमने किससे डिवाइड किया, इक्वेशन फोर से। क्यों, उन दोनों के बीच की वैल्यूज क्या है, अरे ये सेम होगी तो कट हो जाएंगे ना, दूसरे की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। चलो जी, इक्वेशन वन क्या है, के 0.1 की पावर m 0.1 की पावर n इज इक्वल्स टू 6.0 इनटू 10 रेस्ट पर माइनस 2 अपॉन रेट 4 क्या है, मतलब इक्वेशन 4 से डिवाइड करना है। के 0.4 की पावर m 0.1 की पावर n डिवाइडेड बाय 2.40 इंटू 10 रेस्ट पर माइनस 2। बार बार बोल रही हूँ, ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कौन सी इक्वेशन को किससे डिवाइड करना है, जिन दो इक्वेशंस की वैल्यू, दैट मीन्स ए वाले पार्ट में सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट की वैल्यू सेम है तो आपने सेकंड और थर्ड इक्वेशन को डिवाइड करना है। बी वाले में फर्स्ट और फोर्थ की वैल्यू सेम आ रही तो यहाँ पर आपने फर्स्ट और फोर्थ को आपस में डिवाइड करना है। अब देखिए के से के कट जाएगा, 0.1 की पावर एन से 0.1 की पावर एन, 10 रेस्ट पर माइनस 2 से 10 रेस्ट पर माइनस 2। तो देखिए बचा क्या, 0.1 की पावर m अपॉन 0.4 की पावर m इज इक्वल्स टू 6.0 अपॉन 2.40, ये बचा। अब देखिए डेसिमल से डेसिमल कट गया, पावर सेम है तो 1/4 की पावर m लिखा जा सकता है इसको। हाँ जी, ये क्या बन जाएगा, 60 अपॉन 10 इंटू 240 अपॉन 100, 10 से 10, एक जीरो से एक जीरो, इससे ये कट गया। तो 1/4 की पावर m इज इक्वल्स टू 600 अपॉन 24। आप इसको सॉल्व करेंगे इट वुड बी 1/4, इट वुड बी व्हाट, 1/4। सो दैट मीन्स 1/4 की पावर m इज इक्वल्स टू 1/4, बेस सेम है, पावर में है, कुछ नहीं है, तो मतलब क्या होगा, वन, मतलब एम की वैल्यू आ चुकी है आपके पास 1, ठीक है। कैलकुलेशन में इन केस कोई गड़बड़ हो तो उसको आप प्लीज खुद एक बार क्रॉस चेक जरूर करिए, ठीक है जी। बाय 4 की पावर m, ये भी किस, इसको सॉल्व करके भी क्या आ जाएगा, 1/4। तो बेस सेम है, यहाँ कुछ नहीं है, तो पावर क्या है, m की वैल्यू 1, ठीक है जी। हमने रेट वन को रेट फोर से, मतलब फर्स्ट इक्वेशन को फोर्थ इक्वेशन से डिवाइड किया, एन वाली वैल्यू कट गई, एम वाले की वैल्यू आ गई आपके पास। दैट मीन्स इस रेट लॉ में ए की पावर में एम, दैट मीन्स ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, 1। अब आपने याद रखना है एम की वैल्यू क्या आ चुकी है, 1 आ चुकी है। चलिए अब आगे देखते हैं, इसको रफ कर देती हूँ। अब हमने क्या निकालनी है, एन की वैल्यू निकालनी है,
ऑर्डर निकालना है, एन के रिस्पेक्ट में हमने ऑर्डर निकाल लिया है, अब हमने एन के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या है, सेकंड और थर्ड की वैल्यू सेम है, तो रेट टू अपॉन रेट थ्री, मतलब सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय थर्ड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन क्या है, के 0.3 की पावर एम 0.2 की पावर एन इक्वल्स टू 7.2 इंटू 10 रेस्ट का माइनस टू अपॉन रेट थ्री, के 0.3 की पावर एम बी 0.4 की पावर एन, हाँ जी ये इसके इक्वल है 2.88 इंटू 10 रेस्ट का माइनस वन, कैसे की कट जाएगा 0.3 की पावर एन से 0.3 की पावर एन, तो पता लग गया हम इक्वेशंस को डिवाइड क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे रिलेशन निकालना आसान हो जाए, हम ऐसा भी कर सकते थे लेकिन उसके लिए हमारे पास के नहीं है कि जो हम पुट करके निकाल लें, तो क्या बचा 0.2 की पावर एन 0.4 की पावर एन इक्वल्स टू 7.2 इंटू 10 रेस टू माइनस 2 अपॉन 2.88 इंटू 10 रेस टू माइनस 2। देखिए इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है, डेसिमल से अपर डेसिमल किया 2/4 दैट मींस 1/2 की पावर n, और इसको सॉल्व करके आपकी वैल्यू आ रही है 1/4, इसको आप आई होप सो अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, अगर ट्राई जरूर करिए सॉल्व करके, इसको सॉल्व करके आपकी वैल्यू हो रही है 1/4, दैट मींस आपका बेस सेम नहीं है। n की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेस सेम करना पड़ेगा, ऐसा क्या करूँ मैं इसके साथ कि वैल्यू नीचे बेस में आ जाए 1/2 की पावर n, हाँ जी 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ गया, मतलब 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4, तो n की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 2, इज इट क्लियर, ठीक है जी। ये वाली हमारे पास बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चार बार देखनी पड़े, चार बार देखिए इस वीडियो को, बट डू फॉलो दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, इज इट क्लियर। अब आपके पास m की वैल्यू भी आ चुकी है और n की वैल्यू भी आ चुकी है, m की वैल्यू आई थी 1 और n की वैल्यू आई है 2। अब देखिए आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको क्वेश्चन में बोला गया डिटरमिन द रेट लॉ, फर्स्ट पार्ट क्या है कि आपको रेट लॉ डिटरमिन करना है, ठीक है जी। अब देखिए ये तो जनरल रेट लॉ था, यहाँ पर डिटरमिन द रेट लॉ का मतलब है ऑर्डर के साथ आपको रेट लॉ डिटरमिन करना है। एम की वैल्यू आप निकाल चुके हो दैट इज 1, एन की वैल्यू भी आप निकाल चुके हो दैट इज 2, तो आपका रेट लॉ क्या बनेगा, रेट इज इक्वल्स टू के ए की पावर में कुछ नहीं 1, बी की पावर में 2, ठीक है जी। अगर यहाँ पे वो आपको ये भी पूछ लेता कि ओवरऑल ऑर्डर क्या है रिएक्शन का, तो आपका ओवरऑल ऑर्डर क्या बनता, ए के रिस्पेक्ट में कितना है 1, 1+2, दैट मींस ये थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन होती है, दैट मींस ये थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन होती स्टिल, बट उसने हमें पूछा नहीं, हमारा क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट ये, यू हैव टू डिटरमिन द रेट लॉ, रेट लॉ मींस आपको एम और एन की वैल्यू निकाल के पुट करके आपको रेट लॉ दिखना है, सो दिस इज द फर्स्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, एंड रेट कांस्टेंट दैट मींस के निकालना है आपने, ये चीज निकालनी है आपने, मतलब ये चीज, ठीक है। अब बोलते हैं कि मैम हम कैसे, हमने तो इतने चार इक्वेशंस बना दी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जॉन से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी मर्जी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए एम और एन की, और वहां से आप के निकाल लीजिए, सब में आपका आंसर सेम आएगा। एग्जांपल लेती हूँ, मैं आपको पुट कर रही हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, रेट 1 इज इक्वल्स टू के ए की पावर में 0.1 की पावर एम, 0.1 की पावर एन इज इक्वल्स टू 6.0 इंटू 10 रेस टू माइनस 2, यही था रेट, दिस इज योर रेट, हाँ जी। अब देखिए रेट की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रही हूँ 6.0 इंटू 10 रेस टू माइनस 2 इक्वल्स टू के 0.1, एम की वैल्यू क्या है 1, पावर में 1 है, 0.1 की पावर एन, एन की वैल्यू क्या है 2, तो के का आंसर क्या आ जाएगा 6.0 इंटू 10 रेस टू माइनस 2 अपॉन 0.1 की पावर 1, 0.1 का स्क्वायर, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका k, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा k। यूनिट्स की बात रही, देखिए इसकी यूनिट आपको क्वेश्चन में दी हुई है, क्या यूनिट है, मोल पर लीटर
पर मिनट, ये कंसेंट्रेशंस हैं मोल पर लीटर, पावर में वन है तो यहाँ वन ही रहेगा, मोल पर लीटर का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट द आंसर। देखिए जी, ये मोल पर लीटर से मोल पर लीटर डिडक्ट हो गया, ये हो जाएगा मोल स्क्वायर इनवर्स लीटर स्क्वायर मिनट इनवर्स। ये यहाँ पे आपका के का यूनिट आ जाएगा, वो आपको सबको निकालने सिखाने दे। इससे फर्क नहीं पड़ता, आप एक्सपेरिमेंट वन यूज करते हैं इसके लिए, टू थ्री फोर जौन सा मर्जी एक्सपेरिमेंट यूज करिए, आंसर आपका वही आएगा। इज इट क्लियर? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। गो थ्रू दिस क्वेश्चन नंबर ऑफ टाइम्स एज यू कैन। सो थैंक यू सो मच।